तो आज हम जियो वर्ड के द्वारा क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स यानी कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं इनको हम समझेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी अध्ययन करेंगे बिना कॉपी और पेन के द्वारा। तो एक क्वाड्रिलेटरल पहले हम बना लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसमें क्वाड मतलब फोर साइड्स हो। तो चलिए मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं पहले किसी भी तरीके से। ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है, मतलब इसमें चार साइड्स हैं और चार एंगल्स हैं। ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है। अब हम इसके डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मतलब होता है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो देखिए पैरेललोग्राम हम बनाते हैं, तो ये हमारा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में आप देख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल भी हैं, पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं। तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, लेकिन डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल इसमें नहीं होते हैं। तो ठीक है, अगला दूसरा इसके बाद देखते हैं। तो ये हमारा सेकंड है ट्रेपीजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। इसमें क्या है, दो साइड्स पैरेलल होती हैं, दो पैरेलल साइड्स हैं लेकिन ये पैरेलल नहीं है। तो इस प्रकार का जो क्वाड्रिलेटरल हमारा है ये हमारा कहलाता है ट्रेपीजियम। तो ये हमारा नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस में आप देख सकते हैं कि इसकी फोर साइड्स आर इक्वल, सारी चारों साइड्स जो है भुजाएं वो इक्वल होती हैं, लेकिन इसके जो चारों एंगल्स हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और इसके जो डायगोनल्स होंगे वो भी इक्वल नहीं होंगे। इसके जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते हैं। ये जैसे एक डायगोनल इसका हो गया और ये दूसरा डायगोनल, तो डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे रोम्बस को कट करते हैं। तो ये हमारा 90 90 डिग्री के चार एंगल्स बन रहे हैं। तो ये हमारा है रेक्टेंगल। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। और इसके जो चारों एंगल होते हैं वो भी 90 डिग्री होते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सॉरी रेक्टेंगल। इसके जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। तो ये हमारा है स्क्वायर। स्क्वायर में फोर साइड्स इक्वल, चारों साइड्स आप देख सकते हैं इक्वल हैं। ये 4 4 सेंटीमीटर पे लगी हुई है पिंस, तो 16 16, सॉरी 1 2 3 4, हाँ 4 4 16 16 सेंटीमीटर। फोर साइड्स आर इक्वल एंड फोर एंगल्स आल्सो इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल इन स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो है काइट। काइट में आप देख रहे होंगे जो काइट जैसी हमारी होती है उसी वही शेप होता है। इसमें जो एडजेसेंट साइड्स हैं यानी कि जो ये पास पास वाली साइड्स हैं ये दोनों इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होगी और नीचे वाली जो साइड्स हैं ये दोनों आपस में इक्वल होगी, यानी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होगी। जो एक एंगल पे आकर के दोनों साइड्स मिल रही हैं यहाँ पे, एक पेयर ये इक्वल होगा और नीचे वाला ये इक्वल होगा, दिस इज ए काइट। इसके जो डायगोनल्स होते हैं काइट के वो इक्वल नहीं होते हैं, वो अनइक्वल डायगोनल्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे ही। दो स्पेशल केस हैं, एक तो होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो यदि सारे एंगल्स क्वाड्रिलेटरल के 180 डिग्री से कम हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। जैसे यहां पे आप बने हैं, सारे एंगल्स इसके 180 डिग्री से कम हैं, तो ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। दूसरा जो होता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, उसको यदि हमें बनाना है तो कैसे उसको बनाएंगे, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल इस तरीके का होगा, इसमें कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में जो एक एंगल है कम से कम एक एंगल उसका 180 डिग्री से अधिक हो। जैसे ये एंगल आप देख रहे हैं, ये एंगल जो है वो 180 डिग्री से अधिक है और इसकी जो सरफेस भी है अंदर की ओर धसा हुआ है, यानी ये हमारा कैसा है, कॉनकेव यानी कि अवतल कह सकते हैं इसको, अवतल चतुर्भुज है। अब